नमस्ते दोस्तों, मैं गगन जांगिड, व्याख्याता हिंदी। आज हम चर्चा करेंगे कुंडलिया छंद पर, और इससे पहले हमने चर्चा की है गीतिका, हरि गीतिका छंद पर, जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में है। कुंडलिया छंद पर चर्चा करने से पहले एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस कोरोना महामारी में सभी अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मास्क का प्रयोग करें और डिस्टेंस मेंटेन करें। यही बचाव है सिर्फ अभी। और जो वैक्सीनेशन 1 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें सभी 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले टीकाकरण करवाएं। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो हमने ये कक्षा 11, 12 और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो ये चैनल शुरू किया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप पहुँचाएँ, ताकि जो बच्चे इस कोरोना महामारी के कारण बाहर पढ़ने नहीं जा पाते हैं, घर पर बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुँचाएँ, इसे सब्सक्राइब करवाएं बच्चों से, ताकि उनको नियमित क्लासें उपलब्ध होती रहें। चैनल जो है हमारा हिंदी विद गगन जागीर नाम से है, जिसे आप सर्च करके, आपके पास अगर नहीं है तो आप सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप जब भी इसे देखते हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, उसके बाद ही क्लास देखें। तो अब हम शुरू करते हैं कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद के बारे में हम बात करें तो कुंडलिया छंद की जो सबसे पहली पहचान है, सबसे पहली पहचान जो कुंडलिया छंद की है वो ये है कि यह छंद जो है वो विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद है। किस प्रकार का छंद है? विषम मात्रिक छंद। यानी पहली बात तो कुंडलिया छंद किस प्रकार का छंद है? विषम मात्रिक छंद। दूसरी बात इसमें जो आती है वो ये है कि इसमें 6 चरण होते हैं। यानी इस छंद में कितने चरण हैं? इसमें 6 चरण होते हैं। सामान्यतः एक छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं, और 6 चरण होने के कारण इसे गाथा छंद कहा जाता है। 6 चरण होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? गाथा छंद। यानी जिस छंद में 6 चरण होते हैं वो गाथा छंद होता है। छपे भी इसमें तो कुंडलिया छंद में 6 चरण है, इसलिए इसे गाथा छंद कहा जाता है। तीसरी बात जो इसमें आती है ध्यान में रखने योग्य वो ये है कि ये 2 छंद से मिलकर बनता है। यानी कितने छंद से मिलकर बनता है? 2 छंद से। यानी विषम मात्रिक का मतलब सभी चरणों में इसके लक्षण अलग, और ये 2 छंद से मिलकर बनता है। वो 2 छंद कौन से हैं? दोहा और रोला छंद। यानी कुंडलिया छंद किन 2 छंद के योग से बनता है? दोहा और रोला छंद। अब ध्यान रखने योग्य जो बात है वो ये है कि कुंडलिया छंद के जो प्रथम 2 चरण हैं, प्रथम 2 चरण, उनमें तो दोहा छंद के लक्षण होते हैं। उनमें तो कौन से के लक्षण है? दोहा छंद के। यानी प्रथम 2 चरणों में, प्रथम 2 चरणों में दोहा के लक्षण, और अंतिम 4 चरणों, अंतिम 4 चरणों में रोला के लक्षण पाए जाते हैं। रोला के लक्षण पाए जाते हैं। यानी प्रथम 2 चरणों में तो दोहा छंद के लक्षण, और अंतिम 4 चरणों में रोला छंद के लक्षण पाए जाते हैं। अब अगली बात जो है वो ये है,
कि कुंडलिया छंद जिस शब्द से शुरू होता है, जिस शब्द से शुरू होता है, यानी यह जिस छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से खत्म होता है, उसी शब्द से खत्म भी होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस शब्द से इस छंद को शुरू करते हैं उसी शब्द से इसे खत्म करते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसके अलावा एक जो और इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दोहा छंद यानी दोहा और रोला के योग से बन रहा है, इसलिए तो दोहा छंद का अंतिम चरण, दोहा छंद का अंतिम चरण जो है, यानी दोहा छंद का जो अंतिम चरण है वो रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, यानी प्रथम चरण में दोहराया जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है, यानी दोहा छंद का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। यानी बिल्कुल आसान है, अगर हम इन चीजों को अगर गौर से देख लेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी और बिल्कुल आसान है। तो देखते हैं हम ये सारी पहचान उदाहरण के माध्यम से, इसका हम उदाहरण लेते हैं और सारी पहचान उस उदाहरण में देखते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, गिरधर कविराय का एक पद है और वो ये है, लाठी में गुण बहुत है, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, सदा राखिए संग, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नद नाला जहां, गहरे नद नाला जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नद नाला जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे, झपट कुत्ता को मारे, तहां बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे, तहां बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावागिर, दुश्मन दावागिर होए, ताहू को जारे, दुश्मन दावागिर होए, ताहू को जारे, कहे गिरिधर कविराय, कहे गिरिधर कविराय, सुनहु हे मेरे बाटी, सब हथियारन छोड़, सब
कियारा ने छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। सब हथियार ने छोड़ हाथ में लीजिए लाठी, यानी ये पद है। इस पद में देखो ध्यान से, प्रथम जो चरण है दो, वहां पर आप मात्रा लगा के देखो, दोहा के लक्षण प्राप्त हो रहे हैं आपको। गुरु गुरु गुरु, लघु 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 और गुरु। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोहा की पहचान क्या होती है। दोहा के विषम यानी दोहा अर्धसम मात्रिक छंद होता है, विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। तो सम चरणों में मिलती है, विषम चरण के अंत में जगणन वर्जित माना जाता है और सम चरण के अंत में लघु वर्णन आवश्यक माना जाता है। तो ये दोहा छंद होता है। तो यहाँ देखो, दो दो चार दो छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, यहाँ अपने को 13 मात्रा है। विषम चरण में 13 मात्रा है, तो सम चरण में देखो लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु, यानी अंत में एक लघु वर्ण आना आवश्यक। और यहाँ पर देखो, यहाँ ये जगण नहीं आना चाहिए, यहाँ पर जगण नहीं आना चाहिए, यानी ये जो है अंतिम गण जो है, जैसे यहाँ पे हमने ये किया, ये जो है विषम चरण के अंत में यहाँ पर जगण नहीं आना चाहिए। और अंत में एक लघु वर्ण आवश्यक, यानी दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह। अब यहाँ देखो 11 मात्राएं आ रही है, यानी विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं आ रही है। यही पहचान नीचे वाले चरण में है। तो ये दो आछंद है। तुक भी देखो सम चरण में मिल रही है, ये देखो दूसरा और चौथा संग अंग सम चरण में मिल रही है। और अब जो नीचे के चार चरण है, यानी ऊपर वाले दो चरणों में दोहा के लक्षण और नीचे के चार चरणों में रोला छंद के लक्षण है। अब रोला के लक्षण कैसे हैं कि रोला की जो पहचान है वो ये है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मात्राएं लगा के देख लो आप, लघु गुरु 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 लघु 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 गुरु 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 गुरु, ये 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और यहाँ जो है कि 11-13 पर यति होती है, कि 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 यहाँ देखो, यहाँ तक ये 11 मात्राएं हैं और यहाँ पर 13 होनी चाहिए। 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 यहाँ 13 आ रही है, यानी 11 और 13 पर यति आ रही है। और टोटल इस चरण में कितनी मात्राएं हैं, 24-24। टोटल मात्राएं कितनी होनी चाहिए, 24-24। सभी चरणों में आप लगातार देख सकते हो, प्रत्येक चरण में आपको 24-24 मात्राएं मिलेगी। यहां भी इसमें भी देख सकते हो, गुरु लघु लघु गुरु 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 गुरु, यानी 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 यानी यहाँ देखो 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 जबकि यहाँ कितनी होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए। तो यहाँ इसमें जो है यानी किसी न किसी मात्रा में यहाँ पर दिक्कत हुई है, तो हम यहाँ पर मात्रा को चेंज करके इसको सही कर सकते हैं। अगर इस तरह की कोई समस्या आ जाती है तो देखो इसके आगे आ गया, तो ये तो गुरु लघु लघु चार। अब देखो गुरु 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 और ये लघु, ये क्या होगी, लघु, क्योंकि यहां हमने इसको गुरु मात्रा कर दी थी, ये लघु होगी। तो 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 पूरी मात्रा है 11। यहाँ देखो गुरु लघु
गुरु गुरु गुरु, यानी दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, यानी इसमें भी क्या है दो, यहां कितने आने चाहिए यानी ग्यारह तेरह प्रत्यय आ गए, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, यानी यहां पर भी एक मात्रा की फिर से अपने को समस्या आ गई। तो अब देखो गुरु 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 लघु गुरु गुरु गुरु, यानी दो दो चार दो छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, यानी यहां तक कितनी मात्राएं आ रही है तेरह मात्राएं। तो छंद में क्या होता है कि छोटी बड़ी की मात्रा नहीं देखी जाती है, शुद्ध अशुद्ध की अशुद्धि अशुद्धि नहीं देखी जाती है, वहां पर छंद की जो मात्राएं होती हैं वो छंद की मात्रा निर्धारण के नियम के आधार पर लगाई जाती है कि अगर 24 मात्राएं आनी हैं तो हमें उन्हीं के अनुसार मात्राओं का इस्तेमाल करना है। कहे गिरिधर का विचार यहां पर देखो, यानी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ये तेरह मात्राएं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ये ग्यारह मात्राएं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ये तेरह मात्राएं। तो इस तरह से ग्यारह तेरह पर यति होती है। अब देखो कि इसमें 24 मात्राएं आ रही, 11-13 पर यति आ रही है। अब जो एक बात हमने देखी थी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल इसमें दो दोहा के और चार रोला के, कुल इसमें कितने चरण हैं, 6 चरण हैं, इसलिए ये छंद कौन सा है, गाथा छंद, कौन सा है गाथा छंद, यानी कुल इसमें 6 चरण हैं इसलिए ये कौन सा किस प्रकार का छंद है, गाथा छंद है। यहां देखिए पहला शब्द कौन सा है, लाठी, पहला शब्द कौन सा है, लाठी, यह छंद लाठी शब्द से शुरू हुआ और अंतिम शब्द कौन सा है, लाठी, लाठी शब्द से ही खत्म हो रहा है, यानी जिस शब्द से शुरू हुआ उसी शब्द से खत्म हो रहा है। दोहा छंद का अंतिम लक्षण अंतिम चरण यह है, दोहा छंद का अंतिम चरण, यह दोहा छंद का अंतिम चरण है जो रोला छंद के प्रथम चरण में दोहराया जा रहा है, जो दोहा छंद का अंतिम चरण रोला छंद के प्रथम चरण में दोहराया जा रहा है। तो ये कुंडलिया छंद की पहचान होती है जिसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, पहचान सकते हो, और उम्मीद है अब आपको कुंडलिया छंद में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप सबसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद, सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ एक बार पुनः धन्यवाद।